नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आरके सर आपके सामने एक बहुत प्यारा सा वीडियो लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको इसके बहुत सारे फ़ायदे भी होंगे। तो चलिए बात करते हैं, चूँकि हम लगभग अपने सारे वीडियोस में मोटिवेशन को लेकर बात करते हैं, आज हम बात करेंगे आपके पढ़ने और पढ़ते समय जो आप गैप देते हैं बीच में, मतलब कि कैसे उसको, जब पढ़ते समय हम बीच बीच में जो ब्रेक लेते हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ऐसा क्यों करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आपको महसूस होता है 5-7, 10-20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद, वो डिपेंड करता है कि आपके सब्जेक्ट के ऊपर। आपका सब्जेक्ट क्या है, आप मैथ कवर कर रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट वाइज भी ये डिफ़र करता है। आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो कितनी देर के लिए पढ़ेंगे, आप मैथ पढ़ रहे हैं तो उसमें टाइमिंग ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, आप हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं उसका टाइम ड्यूरेशन भी थोड़ा सा लगभग मैथ वाले ड्यूरेशन से थोड़ा सा कम होता है। ये सबका टाइमिंग थोड़ा सा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्दर हम इस पर पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज हम कितना कितना टाइम कंटिन्यूटी में पढ़ें। फिलहाल हम आज बात करने जा रहे हैं कि हम किसी सब्जेक्ट को जब पढ़ते हैं तो हमको बीच में ब्रेक क्यों देना चाहिए और कोई चीज़ पढ़नी कैसे चाहिए, कैसे हम उसको पढ़ें कि वो उसका मैक्सिमम पार्ट हमारे माइंड में स्टोर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपने महसूस किया है कि पढ़ते समय आपको, मान लीजिए आपको, आप हिंदी पढ़ रहे हैं, आपने 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद महसूस किया कि आपको थोड़ी बोरियत सी महसूस होती है। कभी आपने ध्यान से सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि दिमाग थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा है, थोड़ा आलस फील कर रहा है, या आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको 20 मिनट में ही थोड़ा आलस आने लग जाता है, थोड़ा सा मन इधर उधर डाइवर्ट होने जाता है। उसकी तमाम वजह है, लेकिन आज जो मैं वजह बताने जा रहा हूँ उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है और फ्यूचर में आप उसको कैसे हटा सकते हैं ये भी ध्यान रखना है। तो मान लीजिए आपने हिंदी सब्जेक्ट उठाया और आपने पढ़ना शुरू किया और लगभग 20 मिनट के बाद आपको टायर्डनेस फील हुई, तो आप क्या करेंगे, 4-5 मिनट का ब्रेक दे देते हैं। बहुत सारे वीडियो में आपने देखा भी होगा कि लोग बताते हैं टिप्स में आपको ब्रेक देके पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ते समय पानी की बॉटल अपने पास रख लेनी चाहिए। उसकी बहुत सारी वजह हैं, कुछ चीज़ें मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ। तो वो जो ब्रेक जब आप देते हैं तो उस ब्रेक का पर्पज़ क्या है। तो जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं और पढ़ते पढ़ते जब आपको लगता है, आपका दिमाग थोड़ा सा मैसेज देता है आपको कि आपको थोड़ा सा आलस या टायर्डनेस आ रही है, तो आप थोड़ा ब्रेक दे दिया करिए, ये नेसेसरी है। ऐसा माना जाता है कि कंटिन्यूटी में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, जो लगातार 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे लगातार पढ़ते हैं, उनकी जो मेमोरी पावर होती है, वो जो स्टोरेज की पावर होती है, रिकॉलिंग की पावर होती है, वो धीरे धीरे वीक होती जाती है। तो ये जो ब्रेक देने का प्रोसेस है वो क्यों है, उसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझें। जब आप ब्रेक देते हैं तो जब आपका माइंड पढ़ते समय ये फील हो रहा होता है कि आपको टायर्डनेस या आलस आ रहा है, तो उसका सीधा सीधा एक मैसेज है कि आपका माइंड आपको मैसेज दे रहा है कि थोड़ी देर के लिए रेस्ट कीजिए, 4-5 मिनट के लिए। उस 4-5 मिनट में माइंड क्या कर रहा होता है, आपने जो भी डाटा डाला है, आपने जो भी लाइनें पढ़ी हैं, आपने जो भी कंटेंट इसके अंदर इनहेल किया है, वो सारी चीज़ें अब वो एडजस्ट कर रहा होता है सिस्टमेटिकली। आपका 5 मिनट का ब्रेक, आपका 4 मिनट का ब्रेक आपके माइंड को इतना समय देता है कि वो बहुत तेज़ी से उस सारे डाटा को सिस्टमेटिकली अरेंज कर ले। फिर आपने पाया होगा 5-7, 10-5 मिनट के बाद ब्रेक देने के बाद आप दोबारा पढ़ते हैं तो आप बड़ा एनर्जेटिक फील करते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि दिमाग आपका मैसेज देता है कि नाउ आई एम रेडी, नाउ यू कैन कंटिन्यू योर स्टडी, आई एम रेडी, यू कैन कंटिन्यू योर स्टडी, दिमाग ये मैसेज देता है। इसलिए पढ़ते समय सब्जेक्ट वाइज जो भी आपको हिदायत दी जाती है वो बिल्कुल सही होती है। तो आपको पढ़ते समय सब्जेक्ट वाइज, जैसे मान लीजिए आपने हिंदी आधे घंटे पढ़ा तो आप 3-4 मिनट का ब्रेक दीजिए, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू। आपने हिस्ट्री पढ़ा बोरिंग सा लगता है अगर उसको हम विजुअलाइज करके या उसको स्टोरी की फॉर्म में नहीं पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री वाले केस में आप 15-20 मिनट पढ़िए, उसके बाद फिर वही 4-5 मिनट का ब्रेक दे दीजिए। तो ब्रेक देने से क्या होगा, जो भी डाटा आपने देखा है, पढ़ा है, सुना है, जो भी कंटेंट आपने इस माइंड में डालने की कोशिश की है, अब वो उसको उस ड्यूरेशन में सेट करने की कोशिश करता है। तो एक बात तो क्लियर होगी कि अब हम जब पढ़ेंगे तो अपने
जो भी रीडिंग या लर्निंग का प्रोसेस होगा उसके बीच में हम गैप देंगे। गैप देने के बाद हम ये पाएंगे कि हमारी एनर्जी जो होती है बूस्टअप होती है और हम दोबारा उसी पावर से पढ़ना शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको उसके कौन कौन से मेथड्स हैं, मतलब कैसे हम उसको पढ़ें कि हमको और अच्छे से। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई बुक होती है, सामने हम बुक लेते हैं और उसको पहले से पढ़ना शुरू करते हैं। आपने एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि जब भी आप पढ़ेंगे, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं लाइन ड्राइंग, तो आपकी फिंगर जिस भी लाइन जिस भी वर्ड पे आप कंसंट्रेट कर रहे हैं पढ़ रहे हैं उस पे उस वर्ड पे आपकी फिंगर होनी चाहिए और उस बुक के उस पेज पे से आप पढ़ना शुरू करते हैं। इस तरह से पढ़िए, थ्रू पढ़िए, बैक मत होइए। आपको पढ़ते पढ़ते बीच में दोबारा वापस बैक होके इस पे नहीं आना। एक बार जो पढ़ लिया, अगर कोई वर्ड डिफिकल्ट लग रहा है उसको स्किप ऑफ करिए, उसको वहीं छोड़िए, उसके आगे पढ़ना शुरू करिए। जब आप उसको कंटिन्यू करते हैं उस वक्त बाद में उसका कोई मीनिंग विनिंग आप देख लीजिए। इसके ये भी प्रैक्टिकल प्रूव है, ये इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न हैं। हमारा जो दिमाग होता है, हमारी जो आँखें होती हैं, उसको कंसंट्रेट करने के लिए उसको कोई ना कोई पॉइंट चाहिए होता है, दिमाग को कोई ना कोई लॉजिक होता है। जब आप नॉर्मली ऐसे हाथ बांध के पढ़ते रहते हैं सिंपली आगे बुक रख के, तो आपका जो ध्यान होता है वो डाइवर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई भी कहीं पे भी इधर टिक की आवाज़ होगी तो आपकी आइज इधर या उधर मूव करेगी। और जब आप आइज को एक पॉइंट देते हैं इस फिंगर से, जो आपने देखा होगा नॉर्मली क्लासेस में हम जब लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हम बोलते हैं कि बेटा अपनी उंगली उस वर्ड पे उस चीज़ पे रख के रखिए और मैं बाद में पूछूंगा कि आप कहाँ पे आए हैं। उसका सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि आपकी आइज को एक डायरेक्शन देना, आपके दिमाग को लॉजिकली एक जगह पॉइंट आउट करना, ताकि आपका ध्यान डाइवर्ट ना हो, आपका जो आइज है इधर उधर ना करें। जब आप मूव करते हैं तो ऐसे ऐसे जब फिंगर आपकी मूव कर रही होती है इस तरह से, इस लाइन पे, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, तो आपकी आइज उसको फॉलो कर रही होती है। इसलिए पढ़ते समय हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी स्टूडेंट हैं वो अपनी फिंगर का यूज़ करें, उन लाइन ऑफ वर्ड्स पे ऐसे मोमेंट रखें। बस आपको बैक होके नहीं पढ़ना है, कंटिन्यूटी में पढ़ते जाना है। बाद में कोई वर्ड जो है जिसको नहीं आप समझ रहे हैं उसको स्किप ऑफ करिए और बाद में उसका मीनिंग ढूंढ लिए। इस तरह से पढ़ने की अगर हम टेक्निक यूज़ करते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट हमको मिलते हैं। और जो मैंने इससे पहले मैं आपको बताया कि आप जब पढ़ते समय ड्यूरेशन जो गैप आप देते हैं वो काम आपने ज़रूर करना है। तीसरी एक छोटी सी टिप्स कि आप जब पढ़ रहे होते हैं तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो मेन सप्लाई होती है हमारे माइंड में, हमारी पूरी बॉडी में उसको चलाने के लिए यूज़ होती है, तो आप जब पढ़ रहे होते हैं तो आपका जो सांस ले रहे होते हैं, श्वास प्रक्रिया होती है, वो बहुत नॉर्मल सी चल रही होती है। तो हमारी बॉडी में एनर्जी बनी रहे, सिर्फ यही पर्पज़ होता है कि हम आपको बोलते हैं कि स्टूडेंट के केस में या कोई भी जो भी लर्नर है कि आप पढ़ते समय 1 glass of water अपने पास रखिए, 2 घूंट पानी पी लीजिए, बीच बीच में थोड़ा सा पानी इनहेल करते रहिए, आप लेते रहिए, उससे आपका ऑक्सीजन लेवल बना रहेगा और आपका कंसंट्रेशन बनेगा। तो ये 2 simple टेक्निक जब भी आप पढ़ें तो इस तरह से फिंगर का यूज़ करके पढ़ें। दूसरा, जब आप चीज़ों को पढ़ के अपने माइंड में इनहेल कर लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप उसको बाद में उसको अच्छे से रिकॉल कर पाएँ। तो अपना जो प्लेस है पढ़ने वाला, जहाँ पे आप बैठ के स्टडी कर रहे हैं, वो बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए, किसी तरह की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए आसपास, कोई मोबाइल फ़ोन, कोई लैपटॉप, कोई अदर तरह की बुक्स नहीं। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं सिर्फ उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 1-2 books हों, या फिर आपने जो वर्क करना है उस तरह की पेन पेंसिल आसपास में रखा हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप ये पाते हैं कि आपका जो स्टडी लेवल है, आपका जो कंसंट्रेशन है, आपका जो फोकस है, वो बहुत अच्छे से बनता है और आप चीज़ों को अच्छे से याद भी कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लर्निंग और राइटिंग से रिलेटेड कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूँगा। तब के लिए बहुत सारे हैप्पीनेस के साथ आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, शब खैर।